पिछला क्लास में 59 तक हो गया था क्वेश्चन 2020 तक, आज हम लोग देखेंगे 2019 का क्वेश्चन रहेगा। 60 नंबर से इंटीग्रेशन जो चल रहा था उसको आगे बढ़ा रहे हैं ना, आज पूरा का पूरा एमसीक्यू समाप्त कर देंगे भाई, ठीक है। इसको ध्यान से देख लो क्या क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बहुत सारे रिपीटेड रहेगा, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। डी एक्स अपॉन 2 1 प्लस कितना है एक्स स्क्वायर, तो किसका होगा टैन इनवर्स एक्स का। तो अब देखो रिपीटेड है लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को हम लाए हैं, क्यों लाए हैं, क्योंकि टैन इनवर्स एक्स कहीं पे नहीं दिया है, क्या दिया है कॉट इनवर्स एक्स दिया है, कॉट इनवर्स एक्स दिया है। तो ध्यान देने की बात यहां पर ये है कि समझना ध्यान से जो बोल रहे हैं कि डी एक्स अपॉन टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहता है तो क्या होता है टैन इनवर्स एक्स प्लस का सी, लेकिन अगर यही माइनस में हो जाता है माइनस डी एक्स अपॉन टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहता है कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर भैया यहां माइनस नहीं है, अगर यहां पे माइनस नहीं है तो क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस का सी लिख सकते हैं, समझ रहे हो बात। तो यहाँ पे टैन इनवर्स में कोई ऑप्शन में नहीं था, टैन इनवर्स में कोई ऑप्शन में नहीं था तो कॉट इनवर्स में देंगे तो कॉट में माइनस में अंतर होगा, बात समझ रहे ना। यहाँ लाइकन कंफ्यूज कर जाता है कि ये तो अंतर में ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में है लेकिन तुमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई कि यहाँ पर कॉट इनवर्स माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको और यहाँ पर इस तरह क्वेश्चन में ध्यान से देखना, नहीं तो गलती होने का ज्यादा चांस रहता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यह है dx अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस कितना 16, 19 से पूछा हुआ क्वेश्चन। तो ये भैया क्या लिखेगा तुम, ये तुम लिखेगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का हो गया फॉर्मूला क्या, 1 बाई ए, तो 1 बाई 4 टेन इनवर्स एक्स बाई ए, तो एक्स बाई 4 प्लस का सी, 1 बाई 4 टेन इनवर्स एक्स बाई 4 प्लस का सी, 1 बाई 4 टेन इनवर्स एक्स सी, या इंटीग्रल कॉन्स्टेंट कितना के भी ऐड कर सकते हैं, 1 बाई 4 टेन इनवर्स एक्स बाई 4, तो एक्स बाई 4 कौन सा है ऑप्शन नंबर बी। देखो इसमें कंफ्यूज मत करना, यहाँ पे क्या है 4 बाई 1 है, ठीक है ना, तो कंफ्यूज हो गया, अरे लगा सही सेम ही चाहिए, नहीं एक्स ऊपर होना चाहिए 4 नीचे होना चाहिए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन देख लो भाई, ये तो फॉर्मूला ही बताए थे पिछले क्लास में, sec x का फॉर्मूला बताए थे log sec x plus tan x, तो log sec x plus tan x कौन सा ऑप्शन नंबर बी फॉर्मूला ही है, log sec x plus tan x पिछली क्लास में बताया गया था, है ना। चलो 62 नंबर क्वेश्चन तो होगा, ठीक है देखो ये है 0 से π/2 cos x है, 0 से π/2 cos x, ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका है ना, तो cos किसका होता है साइन का, ये क्वेश्चन रिपीटेड है फिर भी बता दे रहे हैं 0 से कहां तक π/2 साइन π/2 कितना होता है 1, तो 1 हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीटेड आ रहा है, टेंशन नहीं लेना है, हम बता देंगे आपको कौन कौन रिपीटेड है। 64 एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स क्यूब अपॉन टू कितना 3, और लिमिट है तुम्हारा कहां ए से बी, अब ए से बी है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको पहले बी क्यू माइनस का ए क्यू अपॉन टू 3, तो देख लो कौन सा ऑप्शन है बी क्यू माइनस ए क्यू अपॉन टू 3 ऑप्शन नंबर ए, पहले अपर लिमिट रखते हैं उसके बाद क्या रखेंगे लोअर लिमिट रखेंगे, है ना। चलो 65 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, चल देख 65 नंबर क्वेश्चन, 65 में कह रहा है साइन क्यू एक्स कॉस एक्स इंटू डी है डी एक्स, तो ये तो भाई क्या हो गया, इसमें आपको पुट करना पड़ेगा ऑड और इवन फंक्शन नहीं है यहाँ पर, ऑड पावर इवन पावर, तो देखो साइन का डीसी इसमें मालूम है हमको, साइन का डीसी कितना होता है कॉस, तो साइन बराबर डेट पुट कर लो भैया, पुट किए साइन एक्स बराबर कितना जेड, देन डिफ्रेंशिएट कर दिए, डिफ्रेंशिएट अगर तुम करेगा तो साइन का डीसी क्या होता है कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर कितना डेड हो गया, लिमिट चेंज नहीं कर रहे हैं, लिमिट अब चाहे तो चेंज कर सकते हैं कि भाई अगर यहाँ पे x का मान 0 रखता है x बराबर 0 तो z का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और x का मान अगर π/2 रखता है
डिजिट का मान कितना हो जाएगा 1, तो लिमिट हो गया कितना 0 से 1। पुट करते हैं लिमिट भी चेंज हो जाता है, आप कर ले नहीं तो फिर डायरेक्टली बना लो भैया। तो ये हो गया तुम्हारा जेड क्यू इंटू डीजेड, तो जेड क्यू कितना जेड फोर अपॉन टू फोर, लिमिट कितना 0 से 1। इसमें खास बात यही है कि अगर लिमिट पुट किए हैं, मतलब अगर पुट करते हैं और लिमिट अगर हम चेंज कर दिए तो फिर हमको दोबारा जेड का वैल्यू रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अगर नहीं पुट किया है, लिमिट एक्सटेंड नहीं किया है, तब पुट कर सकते हैं। तो 1 बाई कितना हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर हो जाएगा तुम्हारा बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो 66, एक्स के पावर एन, ये तो फॉर्मूला ही बताए थे, क्या होता है एक्स के पावर एन प्लस 1 अपॉन टू कितना एन प्लस 1 प्लस का के, देख लो कौन सा ऑप्शन है, फॉर्मूला है आपको ये है ऑप्शन नंबर बी है। सिक्सटी सेवन, ये भी पहले आ चुका है, 1 बाई एक्स इसका डिच होता है लॉग का, तो लॉग एक्स हो गया भाई, और लॉग एक्स हो गया तो इसको लिमिट देना है कहां से कहां तक, 2 से 1 देना है, 2 से 1 है ना लिमिट है, तो पहले अपर लिमिट कितना हो जाएगा लॉग 1, तो लॉग 1 माइनस का लॉग कितना 2, तो अब इसमें आप लॉग 1 कितना होता है 0, और लॉग 2 हो जाएगा कितना आपको, चाहे फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि लॉग 1 बाई कितना 2, चूंकि माइनस में आ जाता ना पावर, तो आपको इतना हो जाएगा लॉग 1 बाई 2, कौन सा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर सी, लॉग एम माइनस लॉग एन पे कर दो या फिर डायरेक्टली कर दो, बात क्या है बराबर है ना। पहले अपर लिमिट, अपर लिमिट यहाँ पर 1 है और लोअर कितना है 2 है, समझ रहे हो ना, उस हिसाब से काम करेंगे तब जाके ऐसा होगा, ठीक है। चलो 68, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 दिया है इंटीग्रेशन आपको, और कितना दिया है साइन के पावर 9 एक्स इंटू कितना डीएक्स। अब यहाँ और डिफेंड लगा दो भाई, साइन का पावर साइन माइनस एक्स माइनस साइन थीटा होता है ऑड है, तो ऑड फंक्शन होगा तो कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ये ऑड फंक्शन था, ऑड इवन बता चुके हैं, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, तो ऑड फंक्शन आ गया, तो ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन कितना होता है सेम लिमिट रहेगा 0 हो जाता है, ठीक है। पिछला क्लास में हुआ था ना, नहीं समझा भाई, माइनस ए से ए अगर रहता है एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो इसका वैल्यू क्या होता है 0, कब एफ एक्स क्या रहता है इज ऑड रहता है, तो ऑड के लिए बताया था ना कि फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है माइनस एफ एक्स हो जाता है, तो उसको फंक्शन ऑफ माइनस एक्स निकालेगा तो माइनस एफ एक्स आ जाएगा, तो ऑड हो गया, ऑड का वैल्यू कितना होता है 0 हो जाता है, ठीक है। बनाते रहोगे तो हालत खराब हो जाएगा, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करो काम हो जाएगा। 69 पे आते हैं, ये फॉर्मूला फिर से आ गया भाई, बार बार आ रहा है, इसका होता है tan इनवर्स x का, और tan इनवर्स x में कहां से कहां तक 0 से 1 तक, tan में 1 कितना डिग्री का मान, और tan 0 तो 0 ही आता है, पाई बाई 4 हो जाएगा इसका, पाई बाई 4, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, चलो 69 हो गया, 69 के बाद 70 कर लेते हैं भैया, 70 में कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स किसका होता है कॉट का डीसी होता है, कॉट का, कॉट का क्या होता है कॉसेक, तो माइनस में हो जाएगा इसका, माइनस कॉट एक्स प्लस सी, तो ऑप्शन माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फॉर्मूला ही होता है, ठीक है ना। 71 नंबर पे आ जाओ भाई, हाँ ये क्वेश्चन कल साइन में था, आज किस में आ गया कॉस में आ गया भाई, कॉस 2x दिया है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है 1 प्लस कॉस 2x का 2 कॉस स्क्वायर x, लिखे भी थे हम, ठीक है, और नहीं याद है तो याद कर लो भैया, 1 प्लस कॉस 2x का जो फॉर्मूला होता है वह कितना होता है 2 कॉस स्क्वायर x, समझ रहे हैं ना, और उसके बाद अगर बोलेंगे 1 माइनस कॉस 2x का कितना होता है, तो 1 माइनस कॉस 2x का होता है 2 साइन स्क्वायर x, समझ रहे हो,
ये ठीक है। तो अब यहाँ पर टू कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, रूट टू बाहर निकाल लो, क्या बचेगा कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस किसका डीसी होता है साइन का, तो साइन एक्स प्लस का सी, रूट टू साइन एक्स प्लस सी, कौन सा ऑप्शन देख लो दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। चल 72 कल आया था क्वेश्चन, ही सेम क्वेश्चन है 2020 में आया था ये क्वेश्चन, फिर से पूछ दिया भाई दोबारा से आ गया 2020 में आया था, 2020 में नहीं भी आया था। पीछे क्वेश्चन देख लेना कौन सा आंसर होगा इसका, होता है 1/3 एक्स और ई के पावर एक्स क्यूब कितना है इतना, ऑप्शन नंबर बी आता है, पीछे बना चुके हैं इसको ना, ध्यान देना इसका इतना आंसर हो जाएगा। कैसे बनाते थे एक्स क्यू बराबर क्या पुट करते थे, एक्स क्यू बराबर जेड पुट करते थे, तो ये जगह 3x² (dx) इक्वल टू कितना डी जेड, ठीक है, और ये जगह x² (dx) बराबर कितना हो जाता है d/3, इंटीग्रेशन कैसा बन जाता है ये आता है आपको e के पावर जेड और d/3, थ्री बाहर निकाल लेते हैं e के पावर जेड और थ्री बाहर निकल गया प्लस का सी, जेड की जगह क्या पुट क्यों एक्स क्यू पहले आया था इसलिए हमको याद था, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा, पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं इसलिए फटाक से कर लिए इसको, तो भाई कर दिया करवा दिए पहले देख लो 73 नंबर क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन बढ़िया है, ये क्वेश्चन इसलिए बढ़िया है ना क्योंकि ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी आता है और फेमस क्वेश्चन है, हो सकता है कि इस बार ये 5 नंबर में आ जाए क्योंकि बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, 5 नंबर में आता है तो 1 नंबर में कैसे पूछ दिया है भाई, ये 1 नंबर में भी आता है तो 1 नंबर लेसन सोल्व करेगा और 5 नंबर वाला 5 नंबर जैसा सोल्व करेगा, तो इसका क्या होता है ना इसका नॉर्मली क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स, एक फॉर्मूला होता है आपको हम फॉर्मूला लिख देते हैं, एक फॉर्मूला बढ़िया फॉर्मूला होता है ठीक है, कौन सा फॉर्मूला देख, एक फॉर्मूला तुम दिमाग में लगा लो भैया, ई के पावर एक्स फंक्शन प्लस फंक्शन का डीसी रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये बार बार आता है ई का पावर एक्स फंक्शन प्लस फंक्शन का डी सी, तो क्या होता है ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी, उसी पर ये बैठेगा भैया, तो इस पर बैठेगा कैसे सर, 1 जोड़ लेते हैं 1 क्या कर लेते हैं घटा लेते हैं, तो एक्स प्लस 1 हो गया 1 जोड़ लिए 1 क्या कर लिए घटा लिए ठीक है, नीचे हो गया एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू कितना डी एक्स। चलो अब क्या करेंगे भाई, अलग अलग डिवाइड कर लो, तो अलग अलग डिवाइड कर लेगा तो ई के पावर एक्स हो गया ठीक है, और यहाँ एक्स प्लस 1 से भाग कर ए वो कट जाएगा तो क्या बचेगा एक तो बचेगा ना 1/2 एक्स प्लस 1 है ना, और यहाँ पे हो जाएगा -1/2 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दो इसी पर आ गया ना, 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है -1/x स्क्वायर होता है ना, वो आ गया ये कितना हो जाएगा आपको हो जाएगा सीधे सीधे e के पावर x इंटू 1/x प्लस 1 प्लस का c, ये एफ एक्स हो गया ये एफ एक्स का क्या हो गया dc हो गया, तो देख लो e के पावर x अपॉन 2 x प्लस 1 इंटू प्लस कितना c, कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर c, ये 5 नंबर में आता है ठीक है ऐसे ही बनता है, लेकिन वहां थोड़ा सा लंबा कर देंगे ताकि इसको अगला को इसको जैसे पुट करेंगे एफ एक्स इतना पुट करेंगे इसका डीसी इतना आएगा, वो फंक्शन पर आपका करेंगे इंटीग्रेट करके निकाल के दिखा देंगे, एमसीक्यू था इसलिए शॉर्ट में हम लोग काम चला लिए। ये तो फॉर्मूला आई है भाई, क्या होता है 1/8 टैन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, देखना ये मत पाओ करना एक्स बाई ए प्लस सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ठीक है, फॉर्मूला है ज्यादा कुछ टेंशन लेने के बाद है नहीं। 75 नंबर क्वेश्चन ये दिया है कि फंक्शन ऑफ -x बराबर -f(x), फंक्शन ऑफ -x बराबर क्या है -f(x) है, फंक्शन ऑफ -x बराबर -f(x), तो कौन सा फंक्शन हो गया ऑड फंक्शन, पहले बताए थे फंक्शन ऑफ -x इक्वल टू -f(x), दिस इज ऑड फंक्शन मतलब विषम फलन है, और विषम फलन है तो इसका वैल्यू कितना होता है 0, बात समझ रहे हैं ना, पहले ही पढ़ा दिए विषम फलन इसका वैल्यू कितना होगा इसका 0 हो जाएगा ठीक है। चलो 76 नंबर क्वेश्चन, ये तो कल भी आया था भाई
2020 में क्वेश्चन आया था इसका वैल्यू जीरो, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सेम चीज है, चेंज करेंगे अल्फा से बीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कट जाता है जीरो हो जाएगा, है ना। ये पिछला क्लास में आया था, टेंशन 2018 में 2020 में भी आया था, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा है इधर, चलो 77 ये भी आया था, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू जीरो से वन, तो वन का स्क्वायर वन, तो वन बटे कितना टू, ऑप्शन नंबर डी फोर डॉग। अठहत्तर नंबर क्वेश्चन देख ले क्या है, चले आ जाओ। अठहत्तर नंबर क्वेश्चन है, एक्स प्लस रूट एक्स दिया है और इसका क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है भैया कि क्या होगा, अलग अलग अगर भाग करोगे तो इसमें कितना होगा और कितना नहीं होगा। एक्स प्लस रूट एक्स दिया है, इसे पुट नहीं कर सकते हैं, पुट करेगा दिक्कत हो जाएगा, और रूट एक्स का डीसी होता है कितना, वन बाई टू रूट एक्स, कंजुगेट से गुना भाग करेगा तो एक्स माइनस कितना हो जाएगा रूट एक्स, और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स हो जाएगा, और ऊपर हो जाएगा आपको एक्स माइनस का रूट एक्स, जो कि संभव नहीं है, लॉग में ही अंतर आएगा भाई इसका, तो डीसी कर लेना भाई, डीसी कर ले, जिसका अंतर आ जाएगा उसका हो जाएगा। इसका अगर हम डीसी कर लेते हैं तो लॉग का डीसी कितना होता है, वन बाई एक्स, वन बाई वन प्लस रूट एक्स, और इसका होता है वन बाई रूट एक्स है टू रूट एक्स, ठीक है। रूट एक्स से गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, ऊपर आपका हो जाएगा टू, और नीचे हो जाएगा आपको रूट एक्स का, तो रूट एक्स प्लस कितना एक्स, और टू हमको कटना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन नंबर होगा आपको बिफोर बॉल, ऑप्शन से कर लिए भाई, समझ रहे ना, चूंकि उसको अगर तुम कर मान लो बाई चांस तुमको दिमाग में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो काम गड़बड़ हो जाएगा। इसको हम डीसी, चूंकि इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा है, मतलब अगर उसका हम डीसी करेंगे, इसका नहीं आता इसलिए इसको नहीं किया हम, उसका देखो करके दिखाते हैं, तो इसका हम डायरेक्टली कर दिए, इसका तो नहीं आता क्योंकि टू आ गया यहाँ पे ना, तो टू रहता तो टू लिख दिए भैया। लॉग का डीसी क्या होता है, लॉग का डीसी होता है वन अपॉन टू एक्स, वन प्लस रूट एक्स, वन का डीसी जीरो और रूट एक्स का कितना वन बाई टू रूट एक्स, और कॉन्स्टेंट का डीसी कितना होता है जीरो, तो टू से टू टू कट जाएगा भाई, टू से टू कट गया, रूट एक्स से गुना कर ले भाई, रूट एक्स जब गुना करेंगे तो रूट एक्स और रूट एक्स कैंसिल एक्स आ गया ना, तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया बी हो गया, समझ रहे हैं ना, तो ऐसे भी क्वेश्चन बनता है, ध्यान देना है, इजी था शॉर्टकट इसलिए बना दिया, उससे थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है, नोट करो, इसको कर लिया बाई ऑप्शन, बाई ऑप्शन। चल एक्स के पावर फाइव दिया भाई, एक्स के पावर फाइव का क्या होता है, एक्स के पावर सिक्स अपॉन टू सिक्स प्लस का कितना, एक्स के पावर सिक्स अपॉन टू सिक्स प्लस का, ऑप्शन नंबर कितना, ए, इजी क्वेश्चन है, दमी नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन है, 80 नंबर क्वेश्चन, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि जीरो समझ कर समझता है हम लोग, इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा, नहीं बगलोल जीरो का मतलब जीरो होगा लेकिन इंटीग्रल कॉन्स्टेंट तो जोड़ेगा ना, बात समझ रहा है कि जीरो का इंटीग्रेशन तो जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंटीग्रल कॉन्स्टेंट कौन जोड़ेगा, तो लेकिन समझता है जीरो हो जाएगा, नहीं तो इंटीग्रल कॉन्स्टेंट भी जोड़ना पड़ेगा, के जीरो प्लस के कितना हो जाएगा के, तो इसमें अक्सर लेखन क्या करता है, अक्सर लेखन क्या करता है कि भैया इसको जीरो मार के आया था, नहीं भाई के होगा, क्या हुआ, जीरो का इंटीग्रेशन कितना होता है के, क्योंकि जीरो का इंटीग्रेशन जीरो और इंटीग्रल कॉन्स्टेंट जोड़ते हैं के, तो के हो जाएगा, जीरो मत मार के आ जाना, है ना, मिस कर जाता है लेकिन, ठीक है। 81 नंबर, ये तो भैया बहुत बार पूछा हुआ है, इसका होता है वन बाई लॉग एक्स का होता है, लॉग एक्स प्लस क्या हो जाएगा के, जो बताते नहीं बताती है पहले भी, ठीक है। 82 नंबर देख लेते हैं, एक्स क्यू का क्या हो जाएगा, एक्स फोर अपॉन टू फोर, और लिमिट देखो कितना, कहां से कहां तक लिमिट, ए से बी तक है, ए से बी तक लिमिट है, तो समझ लो तुम लोग क्या होगा, बी के पावर फोर माइनस ए के पावर फोर अपॉन टू कितना फोर, देख लो ऑप्शन नंबर बी फोर बॉल, ठीक है। जी
83। एक्स के पावर 8 का कितना इंटीग्रेशन, एक्स का पावर 9 अपॉन टू 9 प्लस का के, एक्स के पावर 9 अपॉन टू 9 प्लस का के, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी 4 डॉ। ठीक है, तुम लोग याद रहा भाई कितना अलग अलग क्वेश्चन पूछता है, कथनी क्या पूछ रहा है कोई गारंटी नहीं है। 84 नंबर, हाँ ये क्वेश्चन दिया है 1 माइनस कितना साइन एक्स दिया है, तो 1 माइनस साइन एक्स दिया है तो इसको हम लोग किस तरह से करेंगे कि भैया काम हो जाएगा, इसको दो तरीके से कर सकते हो, 1 प्लस साइन एक्स आप ऊपर नीचे गुना कर लीजिए, तो हर का कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना कर लेने का भाई, 1 माइनस साइन एक्स था तो 1 प्लस साइन एक्स है, ऐसे डायरेक्टली कर लेना चाहिए लेकिन हम तुमको समझा दे रहे हैं 1 प्लस कितना हो जाएगा साइन एक्स, चूंकि ये दो नंबर में भी आता है। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू बी एक्स। ठीक है, अब देखो भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है कॉस स्क्वायर, ये जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन टू कितना कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करो अलग अलग डिवाइड कर दो, तो अलग अलग जब डिवाइड कर दिए लंबा नहीं कर रहा भाई, हमको अगर बनाना रहेगा तो बहुत शॉर्ट में बनाते, समझा रहे हैं तुमको, ये बस मतलब कि लंबा कर रहे हैं, लंबा भाई तो उसको दो स्टेप उड़ा दो छोटा हो गया, तो 1 बाई कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब कहने का मतलब है कि इसमें आसानी से समझ जाएगा, तो साइन एक्स अपॉन टू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसका देखो 1 बाई कॉस किसका होता है सेक स्क्वायर एक्स का, कितना हो जाएगा साइन बाई कॉस क्या होगा टेन, और 1 बाई कॉस क्या हो जाएगा सेक, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्या कर दी यहाँ पे ए गो साइन बाई कॉस टेन हो गया, ए गो 1 बाई कॉस क्या हो गया सेक, अब इजी हो गया सेक किसका होता है टेन का, और सेक एक्स इंटू टेन किसका होता है सेक एक्स का प्लस का के, तो सेक टेन एक्स माइनस सेक एक्स, टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस का के, कौन सा ऑप्शन देख लो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है देख लो, चल 85 एक्स स्क्वायर अभी बनाया था ना भैया बी क्यू माइनस ए क्यू, तो यहाँ देखो लेकिन 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 देख ले यही गड़बड़ खाएगा क्या, लिमिट चेंज कर दिया है, बी नीचे कर दिया ए ऊपर कर दिया भाई, और इसमें कंफ्यूज करेगा ही करेगा, लेकिन ध्यान देना है एक्स क्यू वाई थ्री तो होगा, तो कोई भी क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना भाई, क्वेश्चन ध्यान से रखना है क्योंकि हल्का ही आपको भारी तो सबको मजबूत आदमी समझता है कि अरे तो मजबूत है भैया इससे बढ़िया से लड़ना पड़ेगा, कमजोर के हल्के में था कमजोर समझेगा वो हरा देता है, तो ये कमजोर का सबसे ज्यादा दिमाग लाइन रहेगा भैया, तो कमजोर इसको मत समझना चूंकि बी नीचे आ गया ए ऊपर आ गया, तो इसका हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू, ये ना कि हम अभी बोल रहे थे पीछे जो कराए हैं उसी तरीके से करना है तो गड़बड़ हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू देख लो कौन सा ऑप्शन बी फॉर बॉल, 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है 86 आ गया भाई, अभी फॉर्मूला बताया था किसका कॉट इनवर्स एक्स का होता है, कौन सा हो जाएगा वहां ऑप्शन नंबर डी 4 डॉग कॉट इनवर्स एक्स है, कॉट इनवर्स एक्स प्लस का के, ये हो जाएगा फॉर्मूला लिखे थे जस्ट पहले, इसके पहले लिखे थे इसी में 87 फॉर्मूला मजाक बनाकर रख दिया भाई, पहले पूछा था 1 बाई टेन इनवर्स एक्स बाई प्लस के ऑप्शन नंबर ए, उल्टा पलटा इन्होंने कर दे रहा है, खाली ए को कभी नहीं कर दे रहा है एक्स को कभी नहीं कर दे रहा है, बात समझ रहे हो ना। ठीक है 88 1 इंटू डी एक्स, तो डी एक्स इंटीग्रेशन कितना एक्स प्लस का के, एक्स प्लस के ऑप्शन नंबर ए। ठीक है आगे बढ़े, हाँ मजाक वाला क्वेश्चन है रूट एक्स, तो रूट एक्स जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा एक्स के पावर माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा इंटू डी एक्स, इसमें 1 जोड़ेंगे तो x के पावर 1 बाई 2 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 1 बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 रूट एक्स, ऐसे भी रूट एक्स कितना होता है 2 रूट एक्स प्लस सी, तो 2 रूट एक्स प्लस सी यानी के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूट एक्स का 1 बाई रूट एक्स कितना होता है 2 रूट एक्स प्लस का के हो जाता है। ठीक है 90 नंबर क्वेश्चन देखो 1 प्लस कॉस एक्स, अभी ये ना बताए थे जी अभी ये बताए थे, लेकिन यहाँ एक्स बाई टू में दे दिया है, तो 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर, ऑप्शन देखना बहुत जरूरी है,
ऑप्शन देख के हमको समझ में आ गया, फॉर्मूला अभी लिखे थे पहले, लेकिन वहां cos 2x लिखे थे, यहां पर x हो गया, यहां आएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2, ठीक है, और 1 माइनस cos x, यह आ जाएगा 2 sin स्क्वायर x बाई 2। अगर जिसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का और ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला नहीं मालूम है, तो मेरा एक सेशन आ रहा है 12th का आ रहा है भाई ना, इसी चैनल पर आएगा, तो वहां जाकर देख लेना। अभी जो उसका फर्स्ट क्लास चल रहा है तो सिलेबस डाले हैं अभी उसमें, और ट्रिग्नोमेट्री का पूरा फॉर्मूला आप वहां से देख सकते हैं और ले सकते हैं, बहुत ज्यादा उसमें आपको फायदेमंद होगा, तो वहां जाकर देख सकते हैं। 12th का स्पेशल क्लास चल रहा है तो उसमें सिलेबस अभी चला है ना, और ITF फंक्शन स्टार्ट किया उसमें, तो ITF स्टार्ट करने से पहले ट्रिग्नोमेट्री का फुल एनालिसिस, जितना फॉर्मूला होता है टोटल फॉर्मूला वहां आपको हम समझा रहे हैं, उसके बाद ITF का, तो फॉर्मूला वगैरह में दिक्कत हो रहा होगा ना, तो वहां जाकर तुम देख सकता है, आपको मिल जाएगा वहां पे, ठीक है ना। आज एक तो वीडियो उसमें गया है, रेगुलर जाएगा उसमें, इसका देखो क्या होगा भाई। और जो लोग 12th में अभी नया स्टार्ट किया होगा, पढ़ना स्टार्ट किया होगा, तो उन लोग को भी मतलब वो वीडियो देख सकता है, बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि बेसिक से हाई लेवल तक चला है क्लास। और यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन बैंक अभी कर रहे हैं, लेकिन इस बार जब हम पढ़ाएंगे 12th का जो पूरा बेसिक से एडवांस जो पढ़ाएंगे, उसमें साथ में करेंगे क्वेश्चन बैंक, उसमें साथ में लिखा रहेगा आपको कब पूछा है क्वेश्चन। जैसे मान लो कि यही क्वेश्चन रहता है, मतलब यहाँ अगर हम वहाँ क्वेश्चन कराते हैं तो हम सीधा सीधे लिख देंगे क्वेश्चन की, इसे बगल में लिखा रहेगा कि भाई 2015 में पूछा हुआ है, मतलब फिर से दोबारा क्वेश्चन बैंक कराने की आवश्यकता नहीं, आपको वहीं पे हो जाएगा, डायरेक्टली हो जाएगा, तो बहुत फायदा होगा। तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, तो उसमें स्पेशली क्वेश्चन करने वाले हैं भाई, बात समझ रहे ना। चलो तो कितना हो जाएगा इसका, 1/2 बाहर निकाल लो, ये कितना हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा। 1/2 sec का कितना होता है, sec किसका होता है tan का, तो tan एक्स बाई टू, और इसका कितना 1/2, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, क्या हो जाएगा 1/2 से 1/2 कैंसिल, प्लस का सी, तो टेन एक्स बाई टू प्लस कितना, टेन एक्स बाई टू प्लस के, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आ जाओ 91, एक्स के पावर 5 अभी आया था, क्या हो जाएगा एक्स के पावर 6 अपॉन टू 6, ए से बी है, ए से बी और बी से ए देख लेना भाई, तो बी के पावर 6 माइनस ए के पावर 6 अपॉन टू कितना 6, कौन सा हो जाएगा, सब बी ए में आ रहा है, जितना भी इस तरह का क्वेश्चन भी किया है ना, सब ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, ऐसा दिमाग मत लगाना खाली बी ए में आएगा, दिख तो हो सकता है, देख ले भाई। हाँ ये क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा दिमाग दौड़ाने वाला, दौड़ा नहीं रहा है, पहले डीसी पूछ रहा है उसके बाद इंटीग्रेशन पूछ रहा है, पहले डीसी उसके बाद इंटीग्रेशन। 2014 में क्या था ना कि एमसीक्यू में ऑप्शन नहीं दिया था, उसने फिल इन द ब्लैंक दिया था, ठीक है ना, तो लॉग एक्स का डीसी क्या होता है 1/x, और 1/x का इंटीग्रेशन फिर से कितना हो जाएगा लॉग एक्स, बात खत्म हो गया, तो लॉग एक्स प्लस कितना हो जाएगा के, बात खत्म, या लॉग एक्स बढ़ा देगा, लॉग एक्स बेस ऑफ ई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा लॉग एक्स, आप चाहे तो बेस ऑफ ई भी लिख सकता है, सॉरी बेस ऑफ ई भी लिख सकता है, नहीं तो लॉग एक्स भी लिख सकता है, ठीक है। 2014 में इसी पूछा था, फिलिंग द ब्लैंक पूछा था, मतलब बनाना पड़ेगा आपको, ऑप्शन नहीं दिया है कि आप मार सकते हैं। 2014 में एक ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन पूछा था, ये ट्रू एंड फॉल्स है कि ट्रू है कि फॉल्स है, ये स्टेटमेंट दिया था कि ए से बी, और ए से बी को क्या है, ए से सी ले रहे हैं एपेक डीएक्स, और सी से बी एपेक डीएक्स, और ए और सी के बीच में, तो ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एपेक्स डीएक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एपेक्स इंटू डीएक्स को लिख सकते हैं ए से सी इंटीग्रेशन ऑफ एपेक्स इंटू डीएक्स प्लस का सी से कहां तक बी fx into dx, ऐसा क्यों लिख सकते हैं, c एक ऐसा पॉइंट है जो a और c के बीच में, c एक ऐसा आपको बोलते हैं रियल नंबर के जो भी हो, a less than c है, less than क्या है b, मतलब c का जो वैल्यू है ना भाई, जो c का तुम्हारा जो वैल्यू दिख रहा है ना, c का जो वैल्यू दिख रहा है, ये c का वैल्यू किसके बीच में रहेगा, ये c का वैल्यू रहेगा लगभग a और b के बीच में रहेगा, दिमाग लगा लेना भाई, नहीं तो उड़ जाएगा हवा में। ये ऑप्शन एक पूछा ट्रू है कि फॉल्स है, क्या है, ये है आपका ट्रू है,
ये पूछता था स्टेटमेंट तो यहाँ ट्रू हो जाएगा भाई, ठीक है, ये आपको हो जाएगा ट्रू। दो क्वेश्चन और बचा है भाई, दो क्वेश्चन और है, समाप्त हो जाएगा। हाँ दो क्वेश्चन है लेकिन दानदार क्वेश्चन है। 2013 में जो क्वेश्चन पूछा था ना, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछा था कि आपको वहां दिया हुआ है और इसमें से कौन कौन सा स्टूडेंट है कि ए से कितना दिया है आपको, ए दिया है, जीरो से ए दिया है और जीरो से ए फंक्शन ऑफ ए माइनस एक्स क्यूब प्रॉपर्टी है ये, है ना, क्या प्रॉपर्टी था, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से ए एफ एक्स इंटू डी एक्स, इसका प्रॉपर्टी था कि भैया जीरो से ए लिख लो, बहुत बार इस्तेमाल किए हैं, फंक्शन ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, तो वही प्रॉपर्टी दिया, चूज द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग, मतलब कौन सा सही उत्तर है वो चूज करना है। तो ये पहला क्वेश्चन था, ये आपका पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन था, और इसका मतलब एक ही क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन दिया था, एक ही क्वेश्चन उसमें तीन क्वेश्चन दे रखा है, तो पहले इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा था आपको। तो भाई जीरो से पाई बाई टू रूट कॉस रूट साइन और रूट कॉस एक्स खानदानी कौची पाई बाई फोर, बनाने वाला नहीं भाई, पहले बता दिए थे, तो पाई बाई फोर कितना है, ऑप्शन नंबर ए, समझ रहे ना कितना काम वाले थे बताए थे, ये काम हो जाएगा, ये याद करवा दिए थे कि किसका किसका भैया पाई बाई फोर आने वाला है। जीरो से पाई बाई फोर लॉग वन प्लस कितना टेन एक्स, तो भैया जीरो से पाई बाई फोर है तो इसमें तो हो जाएगा आपको दूसरा पाई बाई एट लॉग टू हो जाएगा, पाई बाई एट लॉग टू इसको बताते हैं, ठीक है, और जीरो से पाई बाई टू साइन टू एक्स इंटू लॉग कितना है टेन एक्स है, तो इसका कितना हो जाएगा भाई, इसको भी निकाल लेते हैं, पहले इसको निकालते हैं, देख ये जो दिया है जीरो से पाई बाई फोर लॉग वन प्लस कितना टेन एक्स इंटू डी एक्स, ये लंबा जाता है, फास्ट नंबर क्वेश्चन पूछते हैं, तो भैया इसको ये प्रॉपर्टी पे आप कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी पे आप आराम से कर सकते हैं, तो उसी प्रॉपर्टी पे करना है, चूंकि खुद बोल रहा है उसमें, है ना, तो भाई देखो जीरो से पाई बाई इसको आई इक्वल टू मान लेते हैं ना, तो ये आई इक्वल टू कितना हो जाएगा जीरो से पाई बाई फोर, समझना ध्यान से, लॉग वन प्लस टेन कितना पाई बाई फोर माइनस का एक्स, ये फॉर्मूला वो प्रॉपर्टी पे लगा दिए, अब इसको क्या कर दो भैया फॉर्मूला बैठा दो, तो टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है टेन ए प्लस टेन, टेन ए माइनस टेन बी, डायरेक्ट था इसको निकाल कर बैठा दो यहाँ पे ना, तो टेन ए माइनस का टेन बी अपॉन टू वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी, ऐसे आंसर डायरेक्टली पता होना चाहिए कि क्या होगा। अब देखो यहां पे था वन, तो वन इसके साथ में रखो, तो वन से इसके साथ ऐड कर देंगे, टेन पाई बाई फोर का मान कितना हो जाता है, इसका तो वन हो जाता है, इसका भी कितना हो जाएगा वन, डायरेक्ट वन लेके चल रहे हैं, उतना लंबा सोल्व नहीं करेंगे, ई वन हो गया, ये कितना हो गया वन, एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा वन प्लस टेन एक्स, अब ये क्या हो गया था वन हो गया था, तो प्लस का वन माइनस का टेन एक्स, और नीचे कितना हो जाएगा भाई वन प्लस का टेन एक्स, तो टेन से टेन क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया भाई, हो गया ना कैंसिल, और ऊपर कितना हो गया टू अपॉन टू वन प्लस टेन एक्स, ये कौची में था लॉग में है ना, लॉग में, तो लॉग एम बाई एन, यहाँ देखो लॉग में था, हम डायरेक्टली सोल्व कर रहे हैं ध्यान देना, तो लॉग एम बाई एन क्या होता है लॉग एम माइनस एन, तो लॉग टू माइनस का लॉग कितना वन प्लस टेन एक्स, ये हो गया इंटीग्रेशन आई का वैल्यू ऐसा जीरो से पाई बाई फोर। अब देखो इसको वन मान लो, ऐसा कहता मान लो टू मान लो, दोनों को क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं, दोनों को ऐड अगर करेगा तो टेन से टेन देखो कट जाएगा ना भाई, लॉग टेन कट जाएगा, क्या बचेगा लॉग टू बचेगा, यानी जोड़ने के बाद हो जाएगा ये टू आई, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से पाई बाई फोर लॉग टू, लॉग टू बाहर निकाल ले भाई, लॉग टू बाहर निकल गया और आई से भाग दे तो वन बाई टू लॉग टू हो जाएगा, और डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है एक्स, एक्स का लिमिट बैठा दो तो जीरो से पाई बाई फोर,
तो जीरो का जीरो हो जाएगा, वन बाई टू लॉग टू पाई बाई फोर, यानी हो जाएगा पाई बाई एट लॉग टू। और ये बात हम तुमको पहले ही बोले हैं कि पाई बाई एट लॉग टू आंसर आने वाला है, बात समझ रहे हैं। फिर से एक बार देख लो, हम एक बार प्रॉपर्टी लगा दें जीरो से पाई फोर, यहाँ पे लगा दिए कि भैया ये फंक्शन ऑफ ए माइनस एक होता है, तो टेन पाई बाई फोर माइनस कितना एक्स हो गया, टेन ए माइनस टेन बी का फॉर्मूला बैठा दिए, तो टेन ए माइनस टेन बी वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी, ये वन था इसके साथ वन ले लिए, एलसीएम ले लिए, यहाँ पे टेन से टेन कैंसिल हो गया, और इसको लॉग था तो लॉग लगा दिए, मैंने लिख नहीं चलते डायरेक्ट, उतना लिख नहीं रहते, ऑब्जेक्टिव में करना है। तो लॉग एम बटे एन क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन, और वन और टू को जोड़ दिए, तो लॉग प्लस में था कुछ भी था माइनस में कट गया, आई और आई कितना हो जाएगा टू आई हो जाएगा, जिससे भाई पाई बाई फोर लॉग टू को क्या कर दिया बाहर निकाल दिया, डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना एक्स, लिमिट कहाँ जीरो से पाई बाई फोर। तो ये पांच नंबर भी पूछता है, पांच नंबर में ऐसी बनेगा, लेकिन इसको याद रखने में ज्यादा भलाई है कि भाई कितना आंसर आने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ऑप्शन पाई बाई एट लॉग टू, ऑप्शन नंबर ए, देखो उतारो इसको फटक से। चलिए है ना, तीसरा भी देख लेते इसमें, चल देखो तीसरा, थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है ना भाई, ये बोल रहा है वही बात है, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से पाई बाई टू साइन टू एक्स इंटू लॉग कितना टेन एक्स, तो फिर प्रॉपर्टी लगा दो भाई, इसको आई मान लो, प्रॉपर्टी पर बनाना ही है, तो ये आई इक्वल टू हो जाएगा, प्रॉपर्टी लगाएंगे जीरो से पाई बाई टू साइन टू इंटू पाई बाई टू माइनस का एक्स, यहाँ पर हो जाएगा लॉग टेन पाई बाई टू माइनस का एक्स इंटू कितना डी एक्स। अब देखो टू से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा टू पाई माइनस टू एक्स हो जाएगा, लंबा नहीं कर रहा भाई, निकले टू से टू कट जाएगा, पाई माइनस कितना हो जाएगा टू एक्स, और साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है साइन हो जाता है, समझ रहे हो, जीरो से पाई बाई टू कितना हो जाएगा साइन टू एक्स चला जाएगा, ठीक है, टू से टू कैंसिल, फिर से बोला टू से टू कैंसिल, और साइन पाई माइनस थीटा टू एक्स, तो टू एक्स हो जाएगा, और लॉग टेन पाई बाई टू माइनस थीटा कितना हो जाएगा कॉट एक्स इंटू डी एक्स, इसको कितना मान लेंगे टू, इसको कितना मान लेंगे वन, ऐड कर दो भैया, तो वन और टू को ऐड कर देगा कितना हो जाएगा टू आई, ये हो जाएगा जीरो से पाई बाई टू, इसमें हो जाएगा साइन टू एक्स, दोनों में कॉमन है, देख ले साइन टू एक्स डायरेक्ट कर रहे हैं, बॉटल वाला सही इतना जल्दी बता दे रहे हैं, तो साइन टू एक्स देख यहाँ भी कॉमन है और साइन टू एक्स यहाँ भी कॉमन है, दोनों में कॉमन निकाल लिए, उसमें क्या बचेगा, उसमें बचा लॉग टेन एक्स प्लस इसमें क्या बचा लॉग कॉट एक्स इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा जीरो से पाई बाई टू साइन टू एक्स, लॉग एम प्लस एन क्या होता है लॉग एम इंटू एन, तो लॉग कितना हो जाएगा टेन एक्स इंटू कॉट एक्स, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है वन, और लॉग वन कितना होता है जीरो, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा साइन टू एक्स इंटू लॉग वन, और लॉग वन का वैल्यू कितना है जीरो, ये क्या हो गया टू आई बराबर जीरो का है, क्योंकि लॉग वन कितना होता है जीरो। अब लेकिन यहाँ टेंशन में आएगा तो कांस्टेंट जोड़ेंगे ना सर, कांस्टेंट कहाँ से जोड़ेंगे भैया, यहाँ लिमिट लगा हुआ है, तो आई का वैल्यू कितना हो गया जीरो, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन। 2013 में देख क्वेश्चन जो पूछ रहा, दो दो नंबर का पहले आता था क्वेश्चन, ये 28 से उधर 30 तक आता था ना, लगभग दो दो नंबर का क्वेश्चन आता था, जब बढ़िया क्वेश्चन है, असाइनमेंट दिया है उसके हिसाब से पूछ रहा है, क्लियर। और आज का लास्ट जो क्वेश्चन है ये भी वही है भैया, ये भी क्या है उसी टाइप का क्वेश्चन, तो सुन लो कि ये जो 2012 में क्वेश्चन, 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन, 2012 में है ना भाई, ये 2012 में, 11 में भी इस तरह का क्वेश्चन आया था, ये जो क्वेश्चन है 2012 का है, ठीक है,
अभी प्रॉपर्टी बताए थे कि e के पावर x f x प्लस f डैश x इनटू dx क्या होता है, उतना होता है, और वही लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x f x प्लस फंक्शन का dc क्या होता है जी, e के पावर x इंटू एफ एक्स प्लस का सी, उसी पे बैठाना है, निकाल देना है। तो पहला जो क्वेश्चन है ये देखो, पहला क्वेश्चन जो है e के पावर x tan x प्लस log sec x, तो ध्यान दो कौन फंक्शन है ये भी ध्यान देना है, तो किसका डीसी मालूम है, तो e के पावर tan x, तो देख भाई ये फॉर्मूला समझ गया ना, तो e के पावर जो tan x है तो log sec x का डीसी tan x हो जाएगा, क्यों देख लो जैसे हम समझना ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये वाला क्वेश्चन है, अगर तुम एफ एक्स क्या लेगा लाइकन कन्फ्यूजन ले कोची सर, तो भैया लॉग सेक एक्स को एफ एक्स लेंगे, इसको डीसी करो, तो लॉग का डीसी क्या 1/x to 1/sec x, ठीक है समझना, और सेक एक्स का डीसी क्या सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, और यहां लॉग से लॉग क्या हो गया भाई, सेक से क्या हो गया कैंसिल हो गया, आ गया टेन एक्स, तो एफ एक्स कौन था लॉग सेक एक्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा e के पावर x log sec x प्लस का c, यानी ऑप्शन नंबर e के पावर x log sec x ऑप्शन नंबर a, क्योंकि फंक्शन यहां पे log sec x है और फंक्शन का डीसी क्या आ रहा है tan x, समझ रहा है, ये बात इजी समझना है, और यहां तो दिख रहा है भैया e के पावर x 1/x को फंक्शन मानेगा, 1/x का डीसी होता है कितना -1/x2, तो e के पावर x इनटू 1/x ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है, f(x) 1/x हो गया और f(x) का dc मौजूद है इसमें, इजी क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन में क्या करेगा, ये वाला क्वेश्चन में अलग अलग भाग करेगा भैया, ऐसे दिख नहीं रहा है तुमको कि कैसे करेंगे, तो अलग अलग भाग कर दो, तो ये तो e के पावर x ही रहने दो, 1 प्लस, तो 1 प्लस cos x क्या होता फॉर्मूला, 1 प्लस cos x इसको लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, और नीचे हो गया इसका 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ये हो जाएगा भाई, समझ रहे हो, तो देखो भाई अब देखो अलग अलग भाग करते हैं, तो अलग अलग जब भाग करोगे तो ये जगह e के पावर x तो 1/cos क्या होता है sec, तो 1/2 sec स्क्वायर डायरेक्ट कर रहे हैं समझना, नहीं तो उड़िया मत जाना है, 1/cos क्या होता है sec, और देखिए cos से cos एक कट जाएगा और 2 से 2 भी कट जाएगा, तो sin/cos क्या होता है tan, अच्छा ये दो बार लिख दिए इंटीग्रेशन का साइन दो बार दे दिए ना, ये हो जाएगा 1/2 sec स्क्वायर x by 2 प्लस का tan x by 2। अब देखो किसका डीसी है मौजूद, तो tan का, tan का sec स्क्वायर x होता है और x by 2 कितना 1/2, माने फंक्शन हमारा कौन हो गया fx हो गया, सॉरी tan x हो गया, tan x by 2 fx कौन हो गया tan, क्योंकि tan का डीसी, tan का डीसी क्या होता है sec स्क्वायर x by 2 और x by 2 कितना 1/2, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है e के पावर x into fx, तो fx मेरा कौन है यही ध्यान रखना है, tan x by 2 है प्लस का c है, ठीक है ना भाई, तो e के पावर x tan x by 2 कौन सा ऑप्शन है देख ले, प्लस का k, e के पावर x tan x by 2 प्लस का k ऑप्शन नंबर a, ठीक है ऑप्शन नंबर a, तो पूरा का पूरा आपको जो है ना क्वेश्चन हो गया भैया, आपको कहां तक 2012 तक 11 में उतना क्वेश्चन पूछा नहीं था, देख लेना अगर पूछा होगा तो, अब चलेगा 2 मार्क्स का और 5 मार्क्स का 2 का, 3 क्लास अभी लिए हैं, 2 क्लास और लेंगे पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा, और इसी प्लेटफॉर्म पे आपको आगे बीएससी का भी मैथ्स बहुत जल्द आएगा है ना, तो जो जो बीएससी के मैथ्स का इंतजार कर रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, तो किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको काम आएगा ना, उसमें बीएससी मैथ्स जो करता है आईआईटी जैम का भी तैयारी करता है, वो सारा का सारा मैथ्स में इंक्लूडेड रहेगा, आईआईटी जैम का भी साथ में तैयारी कर सकता है ना, तो बहुत जल्दी आएगा इसी प्लेटफॉर्म पे बीएससी का मैथ्स, चलो आज इतने रहेगा।